उधर रोज सीवरेज का मसला, गंद बला, उधर भी दुनिया रह रही है जिधर जिसको अच्छा लगता है। अप्रूव्ड है, एटॉमिक एनर्जी कमीशन इसको खुद अपना रन कर रहा है, ठीक, फाउंडेशन के अंदर है, बिल्कुल सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फारूक हुसैन, आपका होस्ट। आज मैं आपके लिए एक हाउसिंग स्कीम लेकर आया हूं। लाहौर के अंदर बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि जी लो बजट स्कीम बताएं जो कि लाहौर में अच्छी जगह पे भी हो और लाहौर भी उसके सस्ते हों। ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की हाउसिंग स्कीम है, इसके अंदर प्लॉट्स जो हैं वो बाकी स्कीमों की निस्बत कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं। तो आए मैं आपको इसका विज़िट करवाता हूँ और यहाँ पे डीलर से भी मुलाकात कराते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या रेट्स हैं और इसका फ्यूचर क्या है। तो ये देखें दोस्तों, ये है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी PAEC फाउंडेशन हाउसिंग सोसाइटी। ये सोसाइटी जो है ये बिल्कुल बैरिया टाउन के अपोज़िट आ जाती है। ये सामने बैरिया टाउन है और इसके साथ पाकिस्तान सुपीरियर सर्विसेज हाउसिंग सोसाइटी और उसके बिल्कुल साथ जो है वो सुख चैन गार्डन है। शाहकाम चौक से ये सोसाइटी हार्डली 1 या 2 किलोमीटर अंदर है और यहाँ पर 2 बजट प्लॉट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं क्योंकि ये सोसाइटी अभी डेवलप हो रही है। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए आए सोसाइटी के अंदर चलते हैं और मैं सोसाइटी आपको तमाम इसके जो सेक्टर हैं वो विज़िट करवाऊँ। ये देखें दोस्तों, ये है इसका सेक्टर सी। यहाँ पे ये सामने 10 मरले के घर बने हुए हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं फैमिलीज़, ये देखें घर के बाहर बैठे भी हुए हैं। यहाँ पे तमाम रोड्स जो हैं वो 40 फुट रोड हैं। ये इसके 5 मरले के प्लॉट्स आ जाते हैं और हम देख रहे हैं कि घरों की तमीर तेज़ी से जारी है। तो ये देखें यहाँ पर बहुत खूबसूरत 2-2 कनाल के भी लोगों के घर हैं। इसकी बाउंड्री के साथ स्कीम के बिल्कुल सुख चैन गार्डन है और इसके जो फ्रंट पे है, ये देखें मैं आपको ये प्लाजा दिखाता हूँ। ये बैरिया टाउन जो है उसका प्लाजा है। ये बैरिया टाउन में जब हम एंटर होते हैं, बैरिया टाउन मुल्तान रोड पे, तो वहाँ पे जाकर तिका से इसका एक रास्ता है जो कि रोड बिल्कुल बाहर मुल्तान रोड पे भी चली जाती है। ये बड़ी ही आइडियल लोकेशन पे है लेकिन प्लाट्स जो हैं वो कंपेरेटिवली सस्ते हैं। तो ये देखें ये दोस्तों, ये जो घर है ये सुख चैन गार्डन का है और ये साथ बाउंड्री है एटॉमिक एनर्जी कमीशन की और इसके बिल्कुल सामने 5 मरले के जो है वो प्लाट्स हैं और घर वगैरह बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं। तो अब मैं आपको अब्दुल भाई साहब से बात कराता हूँ, वो जो यहाँ पे डील वगैरह करते हैं, उनसे एक जनरल इन्फॉर्मेशन भी आपको देते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहीद भाई, क्या हाल है, खैरियत है? वालेकुम अस्सलाम सर। ये जो है एटॉमिक एनर्जी कमीशन, इसको कितनी देर हुई है स्कीम को बने हुए? ये सर अपना 2008-09 से जो है ना, अच्छा स्टार्ट हुई थी। हाँ, स्टार्ट हुई थी बिल्कुल सही। और 2010 के बाद इसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई है, ठीक है। तो अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर काफी काम हो गया, तो घर भी 60+ घर बन रहे हैं। 60 घर बन गए। रिहायश कितने में आ गई हुई है? 8 में रिहायश आ गई है। तो इसमें कितना है टोटल प्लॉट्स वगैरह?
इसमें सर है 1565 कनाल जगह है टोटल, ठीक है, और तकरीबन 1450 प्लाट है, ठीक है। और ये कितने सेक्टर होंगे इसके, ए बी सी, कैसे? ए बी सी डी, चार सेक्टर है। चार ए और बी जो है वो बड़े प्लाट हैं कनाल, ए में एक कनाल की कटिंग है, बी में 15 मरले की कटिंग है, सी और डी में 5 और 10 मरले। तो क्योंकि लोग जो है ना वो अवामी घरों का और लो बजट का पूछते हैं, तो 5 मरले के घर की प्लाट की प्राइस यहाँ पे क्या है? 5 की सर 27 से लेके और 33 तक, 5 से लेके 27-33 तक। तो यहाँ पे जो 10 मरला है उसकी क्या प्राइस आ जाएगी? 10 मरले की 45 से लेके 60 तक, 45 से लेके 60 तक। और जो 15 मरला है? 15 मरले की जो है 80+ में है, 80+। तो जो 15 मरले है उसकी आपने 80 लैके करीब तकरीबन बताइए? हाँ जी, 80 से 90 है जो पोजेशन वाला प्लॉट है। अच्छा अच्छा, अगर नॉन पोजेशन लेंगे तो वो कुछ 70 के प्लस माइनस। उसकी पोजेशन कितनी देर में मिल जाएगी? एक साल के अंदर। एक साल में मिल जाएगी, यानी कि एवरेज तकरीबन प्राइस आ रही है 5.5 लाख रुपए फी मरला तकरीबन, ठीक हो गया। और जो कनाल का है? कनाल का जो है वो 1:10 का है, ठीक, जो पोजेशन वाला है, ठीक है, 1:10 यानी कि प्लस माइनस में, ठीक है। और जो नॉन पोजेशन है वो 80 के प्लस माइनस में। तो देखिए दोस्तों, ये एक कनाल का प्लॉट जो है 20 मरले वो 80-85 की रेंज में नॉन पोजेशन है, और एक साल के बाद जो है वो भाई साहब बता रहे हैं उसकी पोजेशन ही मिल जाएगी। तो आए मैं आपको ना इसका एक टूर कराता हूँ ताकि आपको आइडिया हो स्कीम का। आए भाई साहब आपके साथ में इसका इस, अच्छा ये मुझे बताइए इसमें पार्क वगैरह भी? हाँ जी, एनडीए की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जितनी पार्क्स की, रोड्स की, ओपन स्पेस, ग्रेवयार्ड, हर चीज एनडीए की रिक्वायरमेंट के। मस्जिदें भी हैं इसमें? हाँ जी, मस्जिद की तमीर हो गई है या नहीं? अभी होनी है, अभी होनी है। तो वाटर सप्लाई जो है वो वाटर टैंक बने हुए हैं इनके अपने? हाँ जी, दो अपना बने हुए हैं, एक बी ब्लॉक में है और एक सी में। तो ये देखें दोस्तों, ये डी ब्लॉक है एटॉमिक एनर्जी कमीशन का, और ये सामने जो है ये सुखचैन गार्डन का गेट है, और ये घर जितने भी हैं पीछे ये सुखचैन गार्डन है, जिसको कि पूछा गार्डन भी कभी कहते थे क्योंकि यहाँ पे आमों के बाग थे। तो खैर, मैं आपसे एटॉमिक एनर्जी की बात कर रहा था कि ये प्लॉट जैसे 5 मरले का नेक्स्ट टू कॉर्नर, ये 29 लाख रुपए सेलर ने इसकी डिमांड की है। तो ये बाउंड्री वॉल आप देखें, बड़ी बेहतरीन खूबसूरत है, और यहाँ पर नेगोशिएबल है ये 27, 28, 29 और 30 तक भी 5 मरले का। और ये देखें घरों की तमीर यहाँ पर तेज़ी से हो रही है, यहाँ पे बिल्डर अभी नहीं है, लोग अपनी ज़रूरत के मुताबिक सिंगल स्टोरी, डेढ़ स्टोरी इस तरीके से घर बना रहे हैं। और ये सामने सुखचैन गार्डन के तमाम घर हैं। तो ये देखें, ये तमाम जो है ये 5 मरले के यहाँ पे घर हैं, बन रहे प्लाट्स हैं। तो भाई साहब ये बताइए कि ये जो 5 मरले है इसकी ट्रांसफ़र पर कितना खर्चा आ जाता है? मिला के जो है वो 1,15,000 रुपया टोटल, 1,15,000 रुपया ट्रांसफ़र है। तो ये एक ही दिन में सोसाइटी का ऑप्शन ट्रांसफर हो जाएगा। अच्छा भाई साहब ये बताएंगे, जो प्लाट हमने देखा है अभी डी ब्लॉक का, ये 29 लाख रुपया हम आस्किंग कर रहे हैं सेलर, तो ये तकरीबन हम इसको अगर 3 महीने 1 क्वार्टर पीछे चला जाए तो उसकी क्या प्राइस है उस वक्त? ये सर अपना तकरीबन 25 से गए। अच्छा, यानी ये 25 लाख का प्लाट था, तो अब इसकी प्राइस जो है 4 लाख रुपये बढ़ चुकी है पिछले 3 या 4 महीनों के अंदर। सड़कें बड़ी कुशादा हैं और रिहाइश यहाँ पे है लोगों की। ये देखें, ये सुखचैन गार्डन जो है उसके घर हैं पीछे कनाल, कनाल के बड़े बेहतरीन खूबसूरत, बिल्कुल सामने भी 10 मरले के घर बन रहे हैं। ये देखें, ये सुई गैस का पाइप है यहाँ पे कनेक्शन, ये सुई गैस बड़ी तेज़ी से तमाम जो सेक्टरों में पहुँच रही है। ये देखें, ये 100 फुट रोड है जो कि ज्वाइन करती है सी और डी ब्लॉक को, आपस में ज्वाइन करती है। तो रोड्स जो हैं यहाँ पे बहुत कुशादा हैं। इसके पीछे जो मदर कंपनी है वो क्योंकि अच्छी है, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वफाकी अदारा है, तो यहाँ पे किसी किस्म का कोई मसला मसाइल नहीं है। सोसाइटी के अंदर ही यहाँ पे ट्रांसफ़र होती है डायरेक्टर साहब के सामने। ये देखें, यहाँ मैं घर आपको दिखाता हूँ, कितना खूबसूरत और दिला से घर बना हुआ है ये। ये देखें, ये भी गैस का जो है यहाँ पे कनेक्शन दिया हुआ है, और ये देखें ये ट्यूबवेल है यहाँ पे, वाटर टैंक है। ये देखें, ये भी घर बन रहे हैं सामने, देखें ये भी खूबसूरत घर बन रहा है यहाँ पे 10 मरले का। इसके बिल्कुल सामने बैरिया टाउन है, बैरिया टाउन में 5 मरले का प्लॉट जो है वो 60 से लेके 75 लाख तक है। इसी तरीके से 10 मरले का प्लॉट जो है वो बैड लोकेशन का 90 लाख, और उसके बाद फिर 130-125 तक जाता है। तो ये सिर्फ सड़क हमने क्रॉस करनी है,
उसके ऑपोजिट ये सोसाइटी है और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं वो उससे आधे से भी कम प्राइसेस में आपको प्लॉट्स अवेलेबल हैं, 5 मरला, 10 मरले के, 15 मरले के और 1 कनाल के। और घरों की तामीर तेज़ी से जारी है। जैसे यहाँ पे कोई भी प्लॉट लेता है वो शुरू करते हैं तो 1 साल के अंदर यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ गया होता है सोसाइटी में और रिहाइश में। ये देखें सिक्योरिटी, ये सरकारी सड़क जो मुल्तान रोड की तरफ जाती है और जाकर देखा तो उसके दरमियान ये 2 गेट दे दिए हैं। इस गेट में जब हम एंटर हुए थे तो यहाँ पे सी और डी ब्लॉक था और इसके गेट के अगर हम दूसरी तरफ आगे फर्दर जाते हैं तो यहाँ पे ए और बी है जिसके अंदर 15 मरले और 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। तो ये देखें ये 100 फुट रोड है, ये भी ए और बी ब्लॉक की और इसमें दोनों तरफ जो हैं वो 15 मरले और इसके आगे फिर 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। यहाँ पे 15 मरले और 1 कनाल क्योंकि ये सेक्टर और ए और बी है तो यहाँ पे रिहाइश जो है वो तेज़ी से दोनों तरफ देखें घर जो है बहुत ज़बरदस्त और अच्छे बन रहे हैं। ये इसका वाटर टैंक आ जाता है और इसके साथ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है। पार्क्स जो हैं वो जगह जगह पे यहाँ पे बने हुए हैं, गैस, पानी, बिजली हर चीज़ मौजूद है। लेकिन दोस्तों ये अंडरग्राउंड जो यहाँ पे चारों सेक्टर जो हैं ए बी और सी इनमें अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी है, ये उसके रोल वगैरह पड़े हैं। ये देखें ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ये है सारी और इसके साथ पाकिस्तान सुपीरियर सर्विसेज हाउसिंग सोसाइटी है, ये दी एजुकेटर स्कूल है, ये स्कीम के अंदर है। उसके बाद ये अलाइड स्कूल आ जाता है, ये भी पाकिस्तान सुपीरियर सर्विसेज सोसाइटी के अंदर है। इनमें से सबसे मुनासिब रेट जो हैं वो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हैं और यहाँ पर सहूलियात के हवाले से देखा जाए तो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी और अच्छी। ये सामने जितने प्लाजे नज़र आ रहे हैं ये तमाम बैरिया टाउन मुल्तान रोड में प्लाजे हैं कमर्शियल, और इसके सामने जितने भी है ये हाउसिंग इनके अपने विलाज वगैरह भी हैं। वहाँ पे बैरिया टाउन में प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इससे इस हाउसिंग सोसाइटी से डबल है। ये देखें दोस्तों ये कनाल का घर है, ये बाज़ार ऐसे लगता है कि हम यहाँ पे इसलिए रुके थे स्पेशली जैसे कोई कमर्शियल है, लेकिन ये 3 मंजिला घर है। तो इसके ऑनर हैं यहाँ पे इस्माइल साहब, इसके ऑनर हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि उन्होंने ये ज़मीन इस सोसाइटी में क्यों खरीदी। अस्सलाम वालेकुम इस्माइल साहब। वालेकुम, क्या हैं सर, खैरियत है, ठीक ठाक है? इस्माइल साहब ये आपने कब प्लॉट ख़रीदा था एक कनाल का? तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। 2 साल पहले ये कितने का ख़रीदा था प्लॉट? 80 लाख। 80 लाख का एक कनाल प्लॉट। तो अब इसकी क्या वैल्यू होगी 2 साल के बाद? अभी इसकी वैल्यू होगी तकरीबन 1-10। अच्छा, 5-10, यानी कि 30-35% इसमें 20-25 लाख रुपए इंक्रीज हो गई है। तो आप ये जो है वो डबल स्टोरी लोग बनाते हैं आमतौर पे, आपने 3 मंजिला बना दिया है, ये 4 भी बना सकते हैं, अलाउड है। अलाउड 4 है? हाँ जी, यानी एलडीए के कानून के मुताबिक एलडीए के कानून में 4 अलाउड है, लेकिन उसमें कंक्रीट के पिलरों पे जाना पड़ेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये क्योंकि आपने ज़मीन का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है। तो ये बताइए कि ये ज़मीन इस सोसाइटी में ख़रीदने की क्या वजह? सामने बैरिया था, साथ पाकिस्तान सुपीरियर सर्विसेज है और राइवन रोड पे भी है, चनार बाग है और बड़ी साइट है। तो मैं इसलिए जगह ली बैरिया की, जो बात है बैरिया में 2010 से मैं बैरिया में हूँ, ठीक। उधर मैंने कमर्शियल ख़रीदा था, मैंने घर भी ख़रीदा था, ठीक। लेकिन उधर जो हिसाब है ना, हाँ जी, वो कहीं भी हिसाब नहीं। अच्छा, उधर डेली चोरी होती है, डकैती होती है, कोई पूछने वाला नहीं। देखो सही, उधर ये कपड़े क्यों बाहर डाले हैं, ये गाड़ी को पानी क्यों मारा है, ये ऐसा हो गया, ये कलर ऐसा करो। अच्छा, कलर ऐसा नहीं करो, ये नक्शा उनके मुताबिक बनाओ, मतलब वो तंग बहुत ज्यादा करते हैं। उसके बाद ये कनाल जगह खरीदी थी, इसकी ट्रांसफर, इसका पोजेशन, सारा कुछ मिला के 6.5 लाख रुपया लगा। अच्छा, 3 स्टोरी का। देखो सही, बैरिया में 2 स्टोरी का 27 लाख है। कितना फर्क है? 20 लाख का फर्क है। 5 टाइम ज्यादा। हाँ जी, 10 मरले का उधर 13 लाख रुपया लगता है। अच्छा, उनके फिर दूसरे चार्जेस बहुत ज्यादा है, मंथली मंथली भी है, यूटिलिटी भी, वो जो मीटर लगाने के पैसे हैं वो भी। अच्छा,
लेकिन वो इंतहाई तंग करते हैं, वो सब साथ मिले, वो सब ऐसी यानी आपने तंग आगे तो उसके सामने बिल्कुल सड़क क्रॉस करें तो सामने बैरी है और आपने उधर उधर कनाल 2.5 करोड़ की है, 2.25 करोड़ की, देखो सही इधर 80 लाख की कितना फर्क है, फिर 27 लाख किधर और 6.5 लाख किधर, कोई भी कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा जाके किसी को नहीं पूछा, सीधा एल डी ए में दिया, एक हफ्ते बाद उन्होंने कहा ठीक है ओके जाओ बनाए कार, टी एम ए से प्रूव करवा, हाँ एल डी ए से कोई भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं। यानी यहाँ पे तो ये भी हो सकता था कि आप बिल्कुल साथ वाला प्लाट लेके उसमें अपना कोई बना लेते बगीचा या इस तरीके से, तो मेरे ख्याल से यहाँ सख्ती कोई नहीं है। ये देखिए वो उन्होंने कनाल जगह बनाई है, उसके साथ उन्होंने कनाल छोड़ी हुई है, अपना पार्क टाइप बनाया हुआ है। दूर या नज़दीक की जो बात है ना जी, वो अपने अपने सोच होती है। सही है, अभी मजदूरी करने के लिए लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, ऐसे ही है जी, अपने सुकून के लिए भी आदमी जाते हैं, 20 किलोमीटर भी जाते हैं, 30 किलोमीटर भी, हमको सुकून चाहिए, साफ आबो हवा चाहिए, साफ सुथरा माहौल चाहिए, तो उनके लिए दूर नहीं है। इधर सुलझे हुए लोग आ रहे हैं, सही है, और सुलझे हुए लोगों की सोसाइटी है, एटॉमिक एनर्जी का मतलब है जो एटम बम बनाते हैं ये उनकी गवर्नमेंट का इदारा है, उसकी सोसाइटी है, वफाकी इदारा है, हाँ जी, तो इसलिए देखे प्लाट भी लेवल है, देखो सही है, हाँ जी। और मेरे घर का नक्शा किसी आदमी का ऐसा नक्शा नहीं होगा। अभी इसमें देखें 10 वॉशरूम है, 10 वॉशरूम है, 10 वॉशरूम के जो पैप लगते हैं ना पानी के, 5 मरले घर जो 2 मंजिल बनता है ना, उससे कम पैप लगे हैं ये। अच्छा, पूरे घर में ना किसी लेंटर में पैप है, ना फर्श में पैप है, ना दीवार में पैप है। अच्छा, सिस्टम रखा है एक ही जगह में, अपना बनाने का तरीका रखा है, वो सेंटर में 50 और 70 फुट पीछे जाना है बाहर उधर से, इतना ही है पाइप पूरे पूरे घर में, लेकिन 10 वॉशरूम। आप कहते हैं तो मैं जरा आपको विजिट कर रहा हूँ, आपको पता चल जाएगा किस तरह का नक्शा है। अच्छा नहीं, फ्रंट एलिवेशन आपकी मर्जी का है, ये बैरिया में है, ये बैरिया में, इधर कोई नहीं है जी, रोड से यानी वो दीवार है ना उससे आपने 10 फुट छोड़ रहा है पीछे, बाकी उन्होंने बोला था एक साइड में गली छोड़नी है, मैंने दोनों साइड में छोड़ी है, 5 फुट इधर है, 5 उधर है, 7 पीछे है, बायलाज में 7 पीछे और साइड में 5 है, मैंने इसलिए छोड़ी है। आप चले अंदर, किसी रूम किसी बेडरूम में अंधेरा नहीं है, वो सारे हवादार हैं, मतलब आप चले मैं आपको दिखा दूँ। तो ये दोस्तों ये थे इस्माइल साहब, अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे इन्होंने क्यों खरीदी। यहाँ पे एक कस्टमर आए हैं, वॉकिंग कस्टमर शाहिद राणा साहब, तो अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, क्या हाल है जी? वालेकुम सलाम। आपने ये विजिट की है स्कीम, आप यहाँ पे देख रहे थे प्लॉट वगैरह, कौन से साइज का प्लॉट देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ जी 5 मरले और 10 मरले। 5 मरले और 10 मरले, तो कैसी लगी है सोसाइटी आपको? माशाल्लाह जी स्कीम बहुत अच्छी है, लोग आ रहे हैं इधर, पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। रोड वगैरह हैं, पार्क वगैरह है, कुछ आधा रोड है, कम से कम 30 फुट रोड है, आमतौर पर ये होता है कि स्कीम में लोग जाते हैं ना, मैंने थार टाउन एक दफ़ा कवर किया था तो उसकी प्राइस 5 मरले की उन्होंने मांगी थी 75 लाख, तो जिसको भी बताइए वो कानों को हाथ एक दफ़ा लगाता है कि इतनी दूर आइवेंट, तो यहाँ पे सुन के आपको परेशानी तो नहीं? प्राइस के हिसाब से ये बहुत ही सस्ती है, 27 लाख से शुरू हो रहे हैं 5 मरले और 35 तक जा रहे हैं, बड़ी बेहतरीन सोसाइटी है, और ये ठोकर के करीब ही है, पहुँच में है, आप इधर विजिट करें, आए देखें, माशाल्लाह आपको पसंद आए। देखो सही, तो ये देखें जी, ये एक सेटिस्फाइड कस्टमर थे, वॉकिंग कस्टमर जो यहाँ पे प्लॉट्स वगैरह देख रहे हैं, तो ये देखें मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ इस्माइल साहब का घर, ये घर बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह, अल्लाह ताला नज़ेबाद से बचाए इसको, ये बड़ी तेज़ी से कंप्लीट कर रहे हैं, और मटीरियल भी जो है वो अच्छा, और यहाँ पर मटीरियल भी जो है वो अवेलेबल है आसानी के साथ, तमाम जो मिल जाता है। तो ये देखें दोस्तों, ये ज़बरदस्त यहाँ पर घर हैं, और कनाल कनाल के 15 मरले के 10 मरले के 5 मरले के तमाम साइड पे, ये इसकी मेन बुलेवार्ड आ जाती है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन हाउसिंग सोसाइटी के ऊपर, तो मज़ीद इसके रेट्स के लिए और इसको विज़िट करने के लिए आप कमेंट्स में मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।